नमस्कार, MSW न्यूज़ में आप सभी भविष्य के डॉक्टरों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भविष्य में डॉक्टर बने और आप देश के काम आए। सबसे पहले आज मैं आपको नीट की इनसे जुड़ी बहुत खास इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। आज हम वेस्ट बंगाल में नीट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट रहने वाली है स्टेट कोटा की ओर से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैटेगरीज वाइज क्या कट ऑफ लिस्ट रह सकती है, इसकी कम्प्लीट जो है डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। यह है वेस्ट बंगाल का हमारा पहला पार्ट है। इसके बाद हम आपको बचे हुए कॉलेजों की जो कट ऑफ लिस्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में बताने वाले हैं। अब बात करते हैं बांकुरा मेडिकल कॉलेज की। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो आपको 505 नंबर की ज़रूरत है। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, OBC ए कैटेगरी से, तो 495 नंबर में आपका एडमिशन होगा। वहीं अगर आप OBC बी कैटेगरी से आते हैं तो 500 नंबर की आपको ज़रूरत होगी इस कॉलेज में जो है एडमिशन के लिए। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो 370 नंबर की। वहीं अगर आप ST कैटेगरी से आते हैं तो 210 नंबर पर इस बार कट ऑफ लिस्ट जाने की संभावना है। अब की बार पिछली बार की मुकाबले कट ऑफ लिस्ट है जो ऊपर जाएगी, उसका कारण यही है कि अब की बार जो एग्ज़ाम पैटर्न था और एग्ज़ाम का पेपर था वो आसान था, और दूसरा अब की बार ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था। अब बात करते हैं बुर्दवान मेडिकल कॉलेज बुर्दवान की। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपको 515 नंबर, वहीं OBC ए के लिए आपको 510 नंबर की ज़रूरत है, वहीं OBC बी के लिए आपको 503 नंबर की ज़रूरत है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। SC के लिए 488 नंबर की आपको ज़रूरत रहेगी अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहो। ST के लिए 216 नंबर आपको चाहिए अगर आप इस कॉलेज में अपनी सीट पक्की करना चाहते हो तो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज चूज करते हो। अगर आप कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 539 नंबर की एक्सपेक्टेशन है अब की बार। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC ए से तो 522 नंबर की। अगर आप OBC बी कैटेगरी के अंदर तहत आते हैं तो आपको 511 नंबर की ज़रूरत है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो 415 नंबर की अब की बार कट ऑफ लिस्ट जाने की संभावना है। यह पिछली बार के मुकाबले कुछ ज़्यादा है। अब कि अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 235 नंबर की आपको ज़रूरत होगी। यह इसलिए ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिस्ट है, इसके बारे में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब की बार ये जो एनालिसिस है इसका, वो हमने कई बेसिस पे किया गया एनालिसिस है। हमने आपको बताया है कि जो कट ऑफ लिस्ट है वो कई फैक्टर पे डिपेंड करती है। अब हम नेक्स्ट कॉलेज की ओर बढ़ें तो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है मेडिकल कॉलेज कलकत्ता का। तो उसमें जो कट ऑफ लिस्ट है वो रहने वाली है अनरिजर्व्ड के लिए 585, OBC के लिए 580, OBC बी के लिए 565 और SC के लिए आपको 440 नंबर में जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर ST कैटेगरी की बात की जाए तो अब की बार 351 नंबर की संभावना है कि 351 नंबर में यहाँ पर एडमिशन हो जाए ST का। अब की बार यह ST कैटेगरी के लिए भी इस कॉलेज में संभावनाएं काफ़ी कम है और कॉलेजों के मुकाबले। अगर आप नील रतन सिरकोर मेडिकल कॉलेज की बात करें कलकत्ता के अंदर जो स्थित है, अगर आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 570, OBC ए के लिए 565, OBC बी के लिए 540, SC कैटेगरी के लिए जो है 470 और ST कैटेगरी के लिए आपको 260 नंबर की ज़रूरत है अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं और आप किस कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं अपने मेडिकल की MBBS के कोर्स के लिए। और हमें बताइएगा ज़रूर लिखकर कि आपने जो MBBS के इसके एग्ज़ाम के लिए कहाँ से तैयारी की, कितनी देर पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की आपने, कितना स्ट्रगल है आपका अपनी कामयाबी के पीछे, हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज की। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 525 नंबर की ज़रूरत है, जबकि OBC ए के लिए आपको 518 नंबर में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप OBC बी से बिलोंग करते हैं तो 507 नंबर की आपको ज़रूरत रहेगी इस कॉलेज में एडमिशन के लिए। वहीं SC कैटेगरी के लिए 425 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी अब की बार। ST के लिए 264 नंबर की ज़रूरत होगी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जो पिछली बार के मुकाबले कुछ बड़ा है। और इसका कारण यही है
कि अब की बार 20,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनके 600 से ऊपर नंबर है, इसीलिए ये लास्ट कट ऑफ है जो कि आपकी सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग के बाद आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं आर जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता की। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 537 नंबर में आपका सिलेक्शन होगा। वहीं ओबीसी ए के लिए आपको 532 नंबर की ज़रूरत होगी। अगर आप ओबीसी बी से बिलोंग करते हैं तो 525 नंबर में आपका सिलेक्शन यहाँ पर होने की संभावना है, इससे ऊपर ऊपर। इससे नीचे का टॉप लिस्ट जाना थोड़ा डिफिकल्ट है अब की बार। अब बात करते हैं एससी की। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 437 नंबर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर आप एसटी की बात करें तो 260 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नीट की हमने पूरी सीरीज तैयार की है, कट ऑफ मार्क्स की और काउंसलिंग की हर प्रकार की वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल ली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार ज़रूर देखिएगा कि हमने किस प्रकार की वीडियो डाली हुई है। इसकी जो इस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो अब आपको कुछ टाइम बाद मिल जाएगी, इसलिए स्टे अलर्ट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।